साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और मैं इस समय हूं संगम स्थल पर, संगम रुद्रप्रयाग संगम स्थल पर, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल पर। और जो कल देर रात को जो मूसलाधार बारिश केदार घाटी में और चमोली में हुई, उसके बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल देर रात नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन आज सुबह अब मैं खड़ा हूँ जिस स्थान पे, वहाँ पे नदियों का जलस्तर थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ में जो बारिश थी वो थोड़ा धीरे अब कम हो रही है। और सुबह का समय है, सुबह 8 बज रहे हैं और सुबह के समय में नदी का जो जलस्तर है वो तो काफ़ी बरसात का मौसम होने के कारण काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब नदियों का जलस्तर घटने बैठ गया है। जो नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से नीचे है, और ऐसे में कह सकते हैं कि जो कल केदार घाटी में जो बारिश हुई उससे काफ़ी नुकसान हुआ। अगर रामबाड़ा की बात करें तो रामबाड़ा में भी काफ़ी नुकसान होने की खबर है, और भीमली की बात करें तो उसमें भी काफ़ी नुकसान, ऊपर से पहाड़ी से दरकने से काफ़ी नुकसान हुआ है, बादल फटने की सूचना बताई जा रही है। तो वहीं अगर सोनप्रयाग की बात करें तो सोनप्रयाग में कम से कम 100 मीटर से ज़्यादा का जो मार्ग है, जो सड़क मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। मुनकटे के पास क्षतिग्रस्त मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। केदारनाथ में जो फंसे हुए यात्री हैं उनका रेस्क्यू अब हेलीकॉप्टर द्वारा किया जा रहा है। स्वयं जिलाधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो केदारनाथ में जो कल बारिश हुई और मूसलाधार बारिश के कारण जो बादल फटने की जो घटना आई है, उससे यात्री केदारनाथ के क्षेत्र में जो फंसे, जो केदारनाथ गए थे वो लोग अभी भी फंसे हैं, उनको निकालने के लिए SDRF, NDRF, ITPP, पुलिस, तमाम तरह की जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं। हरेंद्र नेगी, रुद्रप्रयाग। हाँ ला दो यार, रही थी। अब जब बारिश हुई कल तो मौसम ने अपना, जैसे रौद्र रूप बोलते हैं, जैसे क्रोध आता है उसी तरह से मौसम ने बेरुखी दिखाकर केदार घाटी में तबाही मचाई है, क्या कहेंगे? हाँ सचमुच ये बहुत खतरनाक बात है। और जब बारिश ना हो, उसके बाद बहुत समय तक बारिश ना हो, सीजन में बारिश ना हो, मानसून में ना हो, उसके बाद होने वाली बारिशें बहुत खतरनाक होती हैं। अब विशेष तौर से केदारनाथ का इतिहास देखा जाए तो 2013 के बाद तो ये केदारनाथ की नियति हो गई है कि वहाँ पे थोड़ी सी भी कोई बात होती है तो बहुत बड़ी आपदा आती है। 2013 की आपदा आपने देखी, और जो ये इस समय अभी हमें सुनने में आ रहा है, हालांकि जानमाल की कोई हानि की वो किसी की जान नहीं गई है, ये प्रशासन ने भी नहीं कहा, अभी हमें भी पता नहीं चला, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उस पूरी वैली को। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, और वो पूरी वैली मुनकटिया से लेके ऊपर तक कहीं पर रोड नहीं दिख रही है। रामबाड़ा लिंचौली का जो मार्ग है सुनने में आया वो पूरा ख़त्म हो गया है। तो ये, और वैसे भी केदार जो घाटी है ये पूरी कच्ची भूमि पे है, ठोस चट्टाने यहाँ पे नहीं है, और ग्लेशियर्स उसके ऊपर बहुत सारे हैं और भूगर्भीय हलचलें होती रहती हैं, तो ये बहुत कष्टकारक है।
और आगे प्रशासन को या सरकारों को इस पर एक ठोस नीति बनानी होगी। यहाँ पे जो विकास कार्य जितने हुए उन्हें भी पहाड़ के हिसाब से देखना होगा कि पहाड़ में कैसे विकास होते हैं। मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग वहाँ पे बनी है, जो केदार का विकास हमने कहा है, दिखने को तो बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं केदारपुरी बहुत चमक गई है, बहुत बड़ा मैदान है। ये हेलीकॉप्टर्स के लिए जितनी वो हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही हैं, जितने उनके वहाँ पे ये बने हैं हेलीपैड बने हैं, या जितने डंपिंग जोन इधर बन रहे हैं, ये भविष्य में हमारे लिए एक बम का काम करेंगे। क्योंकि कभी भी अगर कोई बादल फटता है तो इतना जो करोड़ों घन मीटर यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, ये निसंदेह बहुत मारक होगा। व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, अतः आप लोग रात्रि में सतर्क बने रहें। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है और देख सकते हैं यहाँ पे जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था इन पत्थरों ने। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है इसलिए पूरी वीडियो नहीं बन पाई। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है और देख सकते हैं यहाँ पे जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था इन पत्थरों ने। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है इसलिए पूरी वीडियो नहीं बन पाई। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है इसलिए पूरी वीडियो नहीं बन पाई।
कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है और देख सकते हैं यहाँ पे जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था इन पत्थरों ने। रात यहाँ तक पानी आया हुआ था।
लग रहा है इससे पानी से, कभी है इसे ऊपर घुमाएगा पोर्ट से। हाँ ये तो आ गई, ये तो पूरा जाएगा फिर दोबारा। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं, और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है इसलिए पूरी वीडियो नहीं बन पा रही। कल रात को जो बादल फटा था इस गधेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है, और देख सकते हैं यहाँ पे जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था इन पत्थरों ने।